4 महीने की दवाइयाँ लेने के बाद मेरा क्रिएटिनिन लेवल जो उस समय 4 महीना पहले 2.1 था वो 1.44 आ गया और मेरे शरीर के जो सिम्टम्स थे थकान रहना वो भी ख़त्म हो गया। मेरे यूरिन का प्रेशर भी थोड़ा बढ़ा है और अब मैं काफ़ी रिलीफ भी महसूस कर रहा हूँ इस मामले में। तो मैं तो अगर मुझे कोई इसी किडनी का कोई पेशेंट मिलता है तो मैं आपके लिए सलाह दूंगा कि भाई वो अपना इलाज करवा आयुर्वेद जाके अवश्य कराएं। अच्छा, और फिजिकली भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी उस टाइम पे जब आप आए थे? हाँ जी, हाँ, मुझे कुछ थोड़ा थकान वगैरह महसूस होती थी, कुछ काम करने का मन नहीं करता था। अब वो थकान वगैरह भी गायब हो चुकी है मेरे अंदर से और थोड़ा काम करने की इच्छा भी जागृत हुई है। स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा शरीर का स्टेमिना भी ठीक हुआ है और मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है इस इलाज से। यूट्यूब पे सर्च करा एक बार तो आपका पता चला, फिर हम जब यहाँ आए उसके बाद आपसे मिले, फिर हमने यहाँ से दवाइयाँ ली, उनका कोर्स स्टार्ट कराया और पहले से रिलीफ है। अब उनका क्रिएटिनिन का लेवल भी घटा है, ब्लड प्रेशर भी उनका कंट्रोल आया है, डायबिटीज में भी सुधार है और जो छोटी छोटी और समस्याएँ थी उनमें भी सुधार हुआ है। क्या क्या सुधार है, कौन कौन सी समस्या है, बताएंगे प्रेमचंद जी? सर, पहले भूख कम लगती थी, अभी भूख भी अच्छे से लगती है। पैरों में स्वेलिंग थी वो बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। जो इनका डायबिटीज़ था वो कंट्रोल था, वो भी कंट्रोल में है। ब्लड प्रेशर इनका हमेशा हाई रहता था 150 145 के आसपास, जो अभी 125 130 के आसपास रहता है। कंट्रोल हो गया पहले से बेटर है। और जो सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी और चलने में तकलीफ थी उसमें भी सुधार है। अभी सांस फूलती है पर उस टाइप से नहीं है, पहले से बहुत सुधार है। तकलीफ होता था, सांस फूलता था, खाना खाने के बाद गैस बनता था, हफ्ते में 2 बार एलसी सी होती थी, अब वो सब हफ्ते में 1 बार हो रहा है। हफ्ते में 1 बार करा, पहले 2 बार करा, पहले 2 बार, पहले से बेहतर है। क्या क्या फर्क है? फिजिकली आराम क्या क्या है? फिजिकली चलने फिरने से क्या क्या आराम है? चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से देखने में लगता है कोई तकलीफ नहीं है। खाते पीते आराम करते घूमते भी है, बाइक लेके जब निकल जाते, पहले सब नहीं था। स्वस्थ महसूस कर, ऐसा लगता नहीं है कि बीमार है या कुछ नहीं, ऐसा लगता है बीमार नहीं है। हम दवा लेके गए थे, हमें बहुत काफ़ी आराम है। 1 महीने के ले गए थे, 2 महीने के ले रहा है। लेकिन आपकी दवाई लेने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी आराम है, बेहतर महसूस कर रही है। क्या क्या किस किस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है? तो मतलब ठंड में ये हौसले उठ रही है, थोड़ी सी चलने लगी, कुछ पैरों में मदद था, अब कम है। ठीक है, आप क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इनमें पहले और हमने क्या कर रहा है? माता जी, पहले हमारी मम्मी को वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, इन्हें मान लो जब मैं यहाँ पर लेके आया था तब इन्हें एक प्रकार से मान लो उठा के लेके आया था, लेकिन अब ये काफ़ी बेहतर है। मतलब बहुत मुश्किल से आई थी जब ये फर्स्ट टाइम आई थी। हाँ, मुश्किल से आई, अब चलने फिरने में तो खुद आई है, खड़ी है। जी जी जी, सक्षम है। और हिमोग्लोबिन भी इनका सर बढ़ा हुआ है पहले से, और सीरम क्रिएटिनिन भी नॉर्मल हो गया सर, नॉर्मल हो गया जी। धीरे धीरे उनका किडनी अच्छा हो गया, पहले से काफ़ी फायदा हो गया। पहले 5 पॉइंट समथिंग था, बड़ा था, अभी 3 पॉइंट समथिंग। पहले से बहुत कम दिख रहा है। फिजिकली ठीक लग रहा है और पेशेंट धीरे धीरे वो ठीक होने लगा है। खाना पीना ठीक ही अच्छा खाना खाता है, जो एडवाइस किया था वो खाना ही खाता है, तो उसको अच्छा लगता है। बॉडी डे बाय डे और गुड फीलिंग होता है। सर, हमने आप नक्श का जो है ऐड देखा दिव्या चैनल पे, और उसके बाद जो हमें पता लगा, हम तो सब मजदूर आदमी हैं और मजदूरी कर अपना पता नहीं। अब भी हम कैसा आए आपके पास जो है, अच्छा ही तो कैल्शियम 13.5 के लगभग था और क्रिएटिनिन 2.60 था और यूरिया 117 कुछ था। अच्छा, तो अब तो सर क्या नाम है, यूरिया भी 23 हो गया, क्रिएटिनिन 0.6 है और कैल्शियम 10 है। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद है जो रहा यहाँ की मेरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना कर रही, खा रही, मौज ले रही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कैसे कैसे आपको क्या क्या आराम मिला है, रिलीफ क्या क्या है आपको? हमें सब चीज आराम मिले, पेट में खाली गैस बनाई है, पहले क्या क्या फर्क है आपको? बहुत फर्क है इनको, पहले पूरा फेस में मतलब ब्लड नहीं लग रहा था, अब तो तंदुरुस्त लग रही है। और न पचित रह रही है, पहले खाना में गैस बहुत ज़्यादा बनता था, मतलब डायबिटीज़ का दवाई 3 टाइम खाना पड़ता था, फिर उसके बाद बीपी का दवाई 3 टाइम खाना पड़ता था। बीपी की दवाई अब ये खाई थी, कितने दिन खाते हैं? कहिए 2 टाइम खा ली, कहिए 1 टाइम खा ली, लगातार 3 टाइम खाना ही पड़ता था। बीपी कंट्रोल आया इनका, काफ़ी बीपी कंट्रोल है। तो मतलब सही होंगे, पहले से तो स्वस्थ महसूस कर रहे होंगे? पहले से काफी स्वस्थ। क्या क्या फर्क है बताएं, खुल के बताइए, बिना घबराइए, नहीं कहने से खुल के बताएं। वो चीज नहीं है, फर्क काफी है। चलना फिरना मुश्किल था, वो अपना धीरे धीरे अब ये है, ये कम से कम अपना चलते फिरते, हंसते बोलते हैं, बोलना भी उनको बड़ा वो लगता था, उसको काफी आराम मिला उनको यहाँ से। जब आए थे तब क्या क्या दिक्कत हो रही थी? सर आए थे तो इनका 11 क्रिएटिनिन था और जो है ब्लड काफी कम था और ये चल नहीं पा रही थी बिल्कुल, और खाना भी नहीं खा पा रही थी, और चलने में बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, गिर जा रही थी, ऐसा लग रहा था। उनको किसी तरह पकड़ के ले आए थे हाथ के यहाँ, और अब जिस हिसाब से इंक्रीमेंट हुआ बहुत अच्छा हुआ। क्या क्या इंक्रीमेंट हुआ बताएं, खुल के बताइए बिल्कुल। क्या सर उनको जो है भूख लग रही है, खाना खा रही है, बिल्कुल पच रहा है, और जो है उनको नींद भी अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। बीपी थोड़ा मिसमैच है, मतलब कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, वो तो होता रहता है। और बाकी सर वो सोती हैं तो उनके जो है मुँह में पानी से भर जाता है, और बाकी सब सही है सर। अच्छा, और ना तो उल्टी है ना कुछ है। जी तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, पहले आपको शारीरिक रूप से और अब, पहले और अब में क्या क्या अंतर है? नहीं, चलने में सांस फूलती थी, चलने में जाम तकलीफ होती थी, अब थोड़ा चल भी लेते हैं और टहल भी लेते हैं, इतना परेशानी अब नहीं है, पहले लेते हैं।